चलें जी, दो वीडियो रिकॉर्ड की है। मैंने कहा ये ना टाइम ज़्यादा हो जाए, फिलहाल इसकी व्लॉग दोबारा से शुरू कर देते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले भी ऐसे ऊपर ना बोरिंग की थी, चारकोल की, 4 मिनट एक्सरसाइज किया था, तो इसमें भी इस तरह ही है। तो लेकिन आपने ओल्ड वीडियो नहीं समझनी, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा टेक्सचर, मैंने कहा इसकी भी क्रमलिंग करते हैं साथ, थोड़ा ड्राई है, थोड़ा डैम है, ये देखेंगे। चारकोल और जीरो साइज स्टोन है, थोड़ी बोरिंग करेंगे चारकोल की। फिर सबका फोन आ रहा है, लाइक और सब पे आ वो दो मुझे पानी में हट दो। चलो इसको ब्लैक अप कर लिया। अब लोग में मतलब वीडियो में कैमरे में पता नहीं कैसा रंग आ रहा होगा, ब्लैक के ब्राउन यहाँ भी वीडियो रिकॉर्ड की है। चारकोल एशिस टेक्सचर है, लेकिन इसमें डाला है कलर, क्योंकि आस्ते आस्ते ना कलर काफ़ी मध्यम हो गए हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं ना अपने चारकोल टेक्सचर को तो सही करूं। इसके अंदर जो ब्राउन ब्राउन टेक्सचर है ना, वो चारकोल का है। चारकोल जब पुराना हो जाता है ना, वो ब्राउन हो जाता है। चले जी, मैं अब तो चलती हूँ गच्ची के पास। नहीं वैसे जा रहा, कुछ वो आज के ग्लोग में क्रम्बल हो जाएगी कुछ कल, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट है कि ग्लोग में इसको क्रम्बल कर दें। सना की रिक्वेस्ट है और सना की रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो सना आपके लिए मैं क्रम्बलिंग करूँगी, ठीक है, चारकोल की, चारकोल कह रही हूँ गाची की। तो चलिए मैं गाची के पास जाती हूँ। रास्ते में अगर कोई टेक्सचर नज़र आए उसकी थोड़ी मेरे हाथ चेक कर लें आप। रास्ते में कोई टेक्सचर नज़र तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन
फैमिली नहीं हो रही। चलो यहाँ आ गए हम गच्ची के पास, इसको मैं इधर ही क्रम्बल करती हूँ, लेकिन मैं इसकी ना साइड ज़रा चेंज करती हूँ कैमरे की, वो इसलिए कि ऐसा रखती क्रम्बलिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। यूँ करते हैं हम इसकी क्रम्बलिंग इधर रख के, और कलर बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रहा, जो रियल गच्ची का रंग है वो नहीं आ रहा। यहाँ उतारा है मैंने अपने मास्क को, ये इसकी अब क्रम्बलिंग शुरू करते हैं। हार्ड वाकई बहुत हो चुकी है इसके ऊपर। चलें जैसी भी ऐसी क्रम्बलिंग आपने पसंद करनी है, नेक्स्ट इसको सही करेंगे। पानी ले होगी साफ सुथरे टब में, कुछ पानी में भी कर लेना, नहीं तो मैं आपके लिए आपकी बेटी के लिए वाटर में भी कर दूंगी क्रम्बलिंग इसकी, ठीक है। ये कौन सा करूँ, सारी हार्ड हुए हैं। अच्छा एक थी उनका नाम, अब ज़हन में नहीं, कह रही थी आपकी मड और चारकोल बहुत यमी लगती है, कैसे बनाई आपने, तो इसका ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है, तो अगर आपको नहीं मिला फिर मैं दोबारा दे दूँगी जब इसको रीन्यू करूँगी। एक ये वाला तोड़ते हैं क्योंकि कोई तो चंक्स इसका सॉफ्ट हो सकता है ना। शोर इतना इसका साउंड क्या आ रहा होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा पानी में करती, पानी बहुत चले। यहाँ मैं थोड़ी ना सना खुश हो गई होंगी, है तो हार्ड, तो मैंने कहा चले आपने रिक्वेस्ट की है तो मैंने पूरी करनी है। एक और जिन्होंने गाची की रिक्वेस्ट की थी उनका क्या नाम था, सॉरी मैं आपका नाम भूल गई हूँ क्योंकि अभी आज के ब्लॉग में सारी नहीं होगी, फिर कल के ब्लॉग में मैं आपका नाम लेके क्रम्बल कर दूंगी गाची, ठीक है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी जाने होने वाली हैं।
तो ये देखें हम पानी में इसको क्रम्बल करते हैं। अभी थोड़ी सी देखते ना पानी में, अगर मेल्ट हो रही तो ठीक है, वरना फिर इसकी क्रशिंग करेंगे। वो रखो ध्यान से, मैं तो नहीं आ रही। चलो यहाँ पहले थोड़ी पोरिंग करते हैं गाची की। अच्छा, ये पानी में मेल्ट हो जानी है, क्रशिंग क्रश करने की ज़रूरत नहीं पड़नी हमें, क्योंकि ये मैंने डाल के देखी है ना, इसमें ही हो रही है मेल्ट। सारा डालते हैं इसमें। सुमेरा मटका पूछ रही थी, इंशाल्लाह उसकी भी मैं जल्दी कर दूंगी क्रम्बलिंग इंशाल्लाह। ये चंक्स ये तो जाते हैं। ओए ये बहुत हार्ड है। इतना हार्ड है कि चाहे टप टूट जाता। इसके ऊपर भी मैं बोरिंग कर देती हूँ। चलो इसी बहाने ये सही हो जाएगी, वरना पता नहीं कब तक पड़ी रहती है ऐसे। आसानी होने लगी हैं तो मैं साथ अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो फातिमा आपको फिर हैप्पी बर्थडे मुबारक हो। ओके फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।